this yummy pasta recipe. So hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. तो सबसे पहले एक पतीले में डालेंगे हाफ कप ऑलिव ऑयल, देन उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, ठीक है, बड़े टेबलस्पून जो होते हैं गार्लिक के, उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 कप प्याज डालेंगे और उसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। प्याज ब्राउन नहीं करना गाइस, बिल्कुल याद रखना, प्याज ब्राउन नहीं करना, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो यू कैन ऐड मोर। उसके बाद 1 चम्मच हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें, उसके साथ ही हम डालेंगे इटालियन मिक्स हर्ब्स, ठीक है, इसके अंदर ऑरिगेनो, थाइम, बेजल वगैरह होते हैं, इसे हमने डालना है 1/2 टीस्पून। यहाँ मैंने 2 टीस्पून व्हाइट विनेगर डाला है, सफेद सिरका 2 चम्मच। फैमिली इतनी अच्छी रेसिपी बना रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। तो यहाँ आप लोगों ने लेनी है 1 कप चेटर चीज, जिसे अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है। गाइज आप लोग भी अगर इसके अंदर आप लोग को और वेजीज वगैरह डालनी है, चिकन डालना, तो यू कैन ऐड अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ अब हम लोग सॉस बना रहे हैं, ठीक है, इसमें 1 कप क्रीम चीज रहेगी, सॉरी 1 टेबल स्पून, 1/2 कप मेयोनीज, 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा केचप। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे या मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये तीनों चीज़ें जो है ना, मेयोनीज, क्रीम चीज और केचप जो है, मिक्स हो जाए। आप केचप की जगह यहाँ हॉट सॉस या चिली सॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। हम मेरे घर में छोटे बहन भाई हैं तो मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आग नहीं लगानी, ठीक है, पतीले के नीचे इसी तरह से डालना है और अच्छी तरह से इन सबको आपस में मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने फिर चेडर चीज़ भी डाल दी थी, वो भी अच्छी तरह से मिक्स करती। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है, देन आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। फैमिली बिल्कुल फिक्र भी मत करें कि ये इतना ज़्यादा थिक है, इसके अंदर 1/2 कप पानी या फिर दूध आप डाल सकते हैं, ठीक है, आपको जो भी बेहतर लगे। मैंने यहाँ वाटर डाला और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर अपना पास्ता डाल के इसको मिक्स कर दिया। थोड़ा सा चीज़ मैंने बचा लिया था, ठीक है, गार्निशिंग के लिए, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देन थोड़ा सा चीज़ ऊपर डाल के ढक के इसको 3-5 मिनट के लिए रख दें और फिर सर्व करके गर्मा गर्म खाएँ यम्मी पास्ता। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियोज़ और ये एंड रिजल्ट था, और यकीन मानिए बहुत ही यम्मी पास्ता था, ईजी था। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, लव यू ऑल। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की सारी खुशियां दे और मुझे भी दे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।